अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खरीद होंगे। तो आज हम जो इस मोबाइल का रिव्यू देने वाले हैं, ये है इन्फिनिक्स का नोट 30, जो हाल ही में अभी डेढ़ मंथ पहले लॉन्च हुआ है। जो इसकी मार्केट के वाइज जो रेट हैं अभी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं हो रहे, रेट क्रैश हो रही मार्केट, किसी के अप जा रहे हैं, किसी डाउन जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी साथ अपडेट करेंगे और साथ हम इस मोबाइल का रिव्यू देंगे कि ये किसके कंपेटिबल है और इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए थी और इसकी रैम मेमोरी और प्रोसेसर वगैरह क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिज़ाइन चेक करें। जो इसका डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है कि ये डिज़ाइन इन्फिनिक्स की फर्स्ट मॉडल है। जो इन्फिनिक्स का ये मॉडल फर्स्ट है, टेक्नो का कैमन 20 है। ये कैमन 20 और इन्फिनिक्स नोट 30 का जो मॉडल है ये ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ कैमरा और लेंस का फर्क डाला है इन्होंने। देख रहे नीचे से बिल्कुल आईफोन की कॉपी कर रहे हैं ये। कैमरा वाइज तो नहीं कर पा रहे, कैमरे के लिहाज से तो नहीं कर पा रहे, कैमरे की क्वालिटी नहीं डाल पा रहे। कैमरा आईफोन का 12 मेगापिक्सल, इसका 64 मेगापिक्सल, तो लेकिन फिर भी फ़र्क काफ़ी ज़्यादा, मतलब आसपास भी नहीं है अभी। तो इसमें दो वेरियंट हैं, एक 8GB रैम और 128GB वेरियंट में। ये हमारे पास जो आज जिसका हम रिव्यू देने वाले हैं ना, चेक करें, ये 8GB वाला है। तो इसमें एक सेम मॉडल में है 8/256GB में, सिर्फ और सिर्फ स्पेस का फ़र्क है, बाकी और इसमें किसी चीज़ का फ़र्क डाला हुआ, शेप का, कलर वाइज, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी का फ़र्क डाला हुआ और साथ में रिफ्रेश रेट थोड़ा सा अबव कर दिया। बाकी इसमें एक तीसरा मॉडल है नोट 30 प्रो, वो 70 के प्राइस में आ रहा है और इसमें भी कोई खास फर्क नहीं डाला, सिर्फ उसके प्रो डाल के सीरीज़ के नाम चेंज कर दिया और प्राइस भी अबव कर दिया। हालांकि इस प्राइस में होना नहीं चाहिए, जो अभी की वक्त के हालात से जो रेट जा रहे हैं ना, मार्केट क्रैश हो रही है और डॉलर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो इसका सबसे पहले आपको चेक करवाते हैं कैमरा। कैमरा इसका अच्छा है, 64 मेगापिक्सल कैमरा इसका। ये 1x पे है, ये 2x पे है, ये साथ में इसका ब्यूटी है कि इसमें साथ इन्होंने डाला हुआ है पोर्ट्रेट मोड, जो कि मैं पहली बात कर चुका था कि पोर्ट्रेट मोड में ये डाल रहे हैं ब्लरिंग सिस्टम, जो आम मॉडल वाइज में होता है। ये देख रहे हैं पिक्चर पे, जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं वो चीज़ उन्होंने फोकस कर ली, बाकी हर चीज़ जो नॉर्मली होता है कि ब्लर कर दिया। ठीक है, ये हो गया बैक कैमरे का पोर्ट्रेट। और इसमें साथ इन्होंने डाला हुआ है फर्स्ट मॉडल जिसमें सुपर नाइट डाला हुआ है कि आप इसका नाइट विजन में भी अगर क्लिक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाइज आपको रिजल्ट देगा, प्रोवाइड करेगा। और ये रहा इसका फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा जो बैक की नस्बत है ना, हमेशा अमूमन यही होता है कि आईफोन में हो या एंड्रॉयड में हो या किसी भी कंपनी में हो मोबाइल, तो कैमरा हमेशा एक ही डालते हैं जो हाई क्वालिटी वाइज होता है। दोनों सेम कैमरा, दो या तीन मॉडल आए हैं सैमसंग के जो फ्लिप वाले होते हैं, उनमें सेम कैमरा डालते हैं कि बैक का भी और फ्रंट का भी। तो अमूमन यही होता है कि मोबाइल में सिर्फ एक ही कैमरा अच्छा होता है, वो चाहे बैक का डाल दें या फ्रंट का। तो अब आ जाते हैं इसकी तरफ। तो ये इसमें IPS LCD लगी हुई है। इसमें अगर IPS LCD जो लगी हुई है, ये इसकी ये क्वालिटी मुझे कम लगी है टेक्नो कैमन 20 के लिहाज से, बाकी ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम टू सेम डाली हुई है। इसकी प्राइस अभी जो इंटरनेट पे दे रहे हैं ना वट मोबाइल वाले, वो 47 दे रहे हैं, लेकिन आपको ये मार्केट में से डिस्काउंट रेट पे 45 के अराउंड मिल जाता है। अगर आप हमसे बाय करना चाहते हैं, ये हमारे पास सेकेंड हैंड में दो मोबाइल और पड़े हैं, एक 256GB वेरियंट में पड़ा हुआ है, उसमें तीन कलर हैं, वो व्हाइट कलर में है, एक सनसेट है और एक ब्लू है, तीन कलर हैं। और इन टेक्नो कैमन 20 में भी तीन कलर हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ इस नोट 30 के बजाय आप कैमन 20 लें, उसमें क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले में है और उसकी शॉर्पनेस और टच में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आती है। तो ये भी लिहाज से प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये भी अच्छे मोबाइल हैं, जो 8GB रैम और 256GB मेमोरी में डाले हुए हैं। 8GB रैम देते हैं और 8GB साथ एक्सटेंड मैग देते हैं, मैं वो भी आपको चेक करवाता हूँ। एक्सटेंड मैग भी ये देखें, G99 का प्रोसेसर है, नोट 30 एंड्रॉयड वर्जन 13 इसका उसमें डाला हुआ है। और फ्रंट कैमरा जैसे मैं आपको बता रहा था इसका कम डाला हुआ है, वो 16 मेगापिक्सल है। और बैक कैमरा इन्होंने अच्छा डाला हुआ है 64 मेगापिक्सल। तो 8GB इसने डाली हुई है जो लगी हुई है चिपसेट, और साथ में 8GB एक्सटेंड मैग है और 128GB ये वेरियंट है। और बैटरी इसकी है 5000 mAh बैटरी है और 1080 से 20
4 रेजोल्यूशन इसकी है और इसकी रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले का 120 रिफ्रेश रेट है जो आपको गेमिंग में आपको 60 FPS गेमिंग का देगा, ग्राफिक सपोर्ट कराएगा। और इसमें जो चार्जर है वो काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, 45 वाट का फ्लैश चार्जर है जो 30 मिनट में 56% आपको बैटरी चार्ज करके देगा। और बैटरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, आप इसको 2 दिन इजीली आप स्टैंड बाय पे यूज़ करें तो 2 दिन आपकी इजीली ये सपोर्ट कर देगी, निकाल देगी, 2 दिन कहीं भी नहीं जा रही आपकी बैटरी। तो अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास ये अवेलेबल है टेक्नो कैमरा 20, जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू दे चुका हूँ, उसकी वीडियो बना चुका हूँ और लास्ट में रिसेंटली वो भी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। और अगर किसी को वो भी चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, और नोट से ही हो तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी को किसी और किस्म का मोबाइल चाहिए आईफोन या वीवो में तो वो भी हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, तो हमसे रब्ता करने के लिए वहाँ पर आप आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।